दोस्तों, अमेरिका की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और भारत पर चेतावनी जारी की जाती है। रूस के प्रतिबंध का तो आपको पता ही होगा, लेकिन भारत का इससे क्या ताल्लुक है, ये केवल अमेरिका को ही पता है कि क्यों अमेरिका रह कर भारत को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। LAC बॉर्डर पर भारत की ओर से 1,00,000 से अधिक जवान चीनी मोर्चों के खिलाफ खड़े हैं और भारत को खतरनाक हथियारों की सख्त आवश्यकता है। तो अमेरिका कह रहा है कि भारत को रूस से अपने हथियारों की डील पूर्ण रूप से बंद कर देनी चाहिए। अभी हाल ही में रूस के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके वापस लौटे हैं। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री की ओर से भारत को चेतावनी जारी कर दी गई है। चेतावनी इस बात की कि भारत को रूस से अपने सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। वहीं अमेरिका और नाटो देशों ने रूस की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, लेकिन भारत रूस को तबाही से जाने से बचा लेता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की ओर से कई घातक मिसाइलों का उपयोग किया गया है, जिसका दुनिया में रूस ने बहुत ही कम उपयोग किया है। उधर भारत का लगातार चीन से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका को डर है कि भारत रूस से इन्हीं मिसाइलों की डील करने ना लग जाए, इसीलिए अमेरिका पहले से ही भारत को आगाह करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि रूस की उन मिसाइलों के बारे में जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जब रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी बढ़ रही थी, तो रूस की ओर से इस्कंदर मिसाइल को सबसे पहले तैनात किया गया था। इस मिसाइल का उपयोग रूसी सेना 2006 से कर रही है। यह मिसाइल एक प्रकार की मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो अपने साथ एक बार में 700 किलोग्राम तक के बारूद को ले जा सकती है। यहाँ तक कि यह मिसाइल न्यूक्लियर मार करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो यह मिसाइल 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर सब कुछ राख करने की काबिलियत रखती है। 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली यह बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसी तकनीक इनबिल्ट की गई है, जिसके चलते अगर टारगेट 3 मीटर इधर उधर भी खिसकता है, फिर भी इस मिसाइल से बच नहीं पाएगा। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए इस मिसाइल में GPS तकनीक का भी उपयोग किया गया है। उधर जब रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही थी, तभी मिसाइलों का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इसके अलावा रूस की ओर से कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी यूक्रेनी सेना पर किया गया था। और जब शुरुआती दिनों में रूस और यूक्रेन युद्ध के समय समुद्र के किनारे तैनात यूक्रेनी सेना को रूस ने टारगेट किया था, इसी मिसाइल का उपयोग उनके द्वारा किया गया था। यह मिसाइल एंटीशिप मिसाइल की कैटेगरी में शामिल है, जिसका उपयोग सबमरीनों के द्वारा किया जाता है। इस मिसाइल का उपयोग रूसी सेना 90 के दशक से ही करती आ रही है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं पर इस मिसाइल के पेलोड कैपेसिटी 400 से 500 किलोग्राम के आसपास है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसका स्वचलित होना है। वहीं पर इसको ऑपरेट करने के लिए किसी सेना के जवान की जरूरत नहीं होती। वहीं इसकी स्पीड की बात करें तो ये 2.9 मैक की स्पीड से दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की काबिलियत रखती है। जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, जिसकी वजह से इसका पता लगाना दुश्मन के रडार की पकड़ से बाहर हो जाता है। और फिर दुश्मन पर इतनी तेजी से ये वार करती है कि जब तक रडार को इसकी भनक लगती है, तब तक ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। इस मिसाइल के अब तक 7 वेरिएंट तैयार किए जा चुके हैं। अलग अलग वेरिएंट के अनुसार इनकी पेलोड कैपेसिटी भी अलग अलग है। रूस यूक्रेन पर भारी तबाही नहीं मचाना चाहता था, इसीलिए रूस ने 500 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाली मिसाइल का ही उपयोग किया था। अब दोस्तों, जिस तरह से इंटरनेशनली रशिया अलग थलग पड़ चुका है, इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, ऐसे में रूस अपने अधिकतर गोल्डन वेपन का ऑफर भारत को दे रहा है। इन मिसाइलों के अलावा S-500 सुखोई एयरक्राफ्ट, न जाने कितने ऑफर तेजी से भारत को दिया जा रहा है रूस की तरफ से। इससे पहले भारत सस्ते दामों में तेल और कोयला उससे खरीद रहा है। देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है कि वो रूस से उसके अत्याधुनिक हथियार की बात करे, और इन हालात में रूस भारत को ये हथियार देने के लिए तैयार भी हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ, जब से चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे से वापस लौटे हैं, तब से चीन भारत को लेकर काफी तनाव में दिख रहा है। चीन की सारी अजमाइश भारत पर फेल हो चुकी है, तो अब एक बार फिर से घुसपैठ करने की नई साजिश वो तैयार कर रहा है। अभी हाल ही में खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन ने एक बार फिर से भारत पर अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें चीन असफल रहा है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है, इस साइबर अटैक के पीछे उसकी क्या मंशा छुपी हुई थी। तो आपको बता दें, इस बार चीन का साइबर अटैक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगे पावर ग्रिड को फेल करना था, ताकि सीमा पर बिल्कुल अंधेरा छा जाए, जिसका फायदा चीनी सेना उठाकर भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर सके। लेकिन इससे बचने का इंतजाम भारत बहुत पहले ही कर चुका है। भारत ने सीमा पर ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं, जिसके चलते चीन का एक भी साइबर अटैक भारत पर काम नहीं कर पा रहा। चीन की ओर से यह कोई पहला साइबर अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के साइबर अटैक चीन की ओर से किया जा चुका है। आपको याद दिला दे, जब भारत अपने S-400 की तैनाती कर रहा था, तो उस वक्त भी चीन भारत की मिसाइलों और भारत की खुफिया जानकारियों को एकत्रित करने के लिए सेना से जुड़े कंप्यूटरों पर एक वायरस अटैक किया था, लेकिन भारत ने उसको भी नाकाम कर दिया था। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या भारत को रूस से उसके अत्याधुनिक हथियारों की डील करनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।